जो हमारा दाल था हमने बिठा दिया है, अपनी जो फ्राई करने का आइटम है काट लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है और मस्त। देख रहे हो क्या सीन चल रहा है मैच का, जबरदस्त एकदम बिल्कुल शाबाश, लौंडा हैट्रिक पे है। ये देखो हमारा चावल दाल बन के रेडी है, मस्त मसाले वाली दाल एकदम। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और मैं बात करूं तो अभी 1:08 एक बज चुके हैं और दरअसल सुबह से हम कुछ काम कर रहे थे तो इस वजह से काफी बिजी थे, तो अभी से स्टार्ट किया हमने, शुरू किया है। दरअसल सुबह से ना काफी बिजी था, काफी से मतलब काम करना पड़ा मुझे, अभी काम अभी कर ही रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और काम करने के चक्कर में इतना मतलब हो गया है कि अभी तक कुछ खाया नहीं है सुबह से अभी तक। तो बस अब थोड़ा काम से फ्री हुआ था तो सोच रहा हूँ कि घर में अपने पास तो कुछ है नहीं अभी, बस मतलब कुछ भी नहीं है, आलू प्याज मर्चा सर्चा कुछ भी नहीं है यार बनाने के लिए। बस सोच रहा था कि अभी थोड़ा काम से फ्री हुआ तो चलो मार्केट में कुछ सामान वामान लेके आऊं तो फिर कुछ बनाऊं, क्योंकि बाहर तो जानते हैं कि अवॉइड करना है खाने के लिए, मजा नहीं आता है बाहर खाने में यार। रात में थोड़ा सा खाया था बाहर ही तो अजीब सा हो गया था, अभी तक समझ रहे हैं ना अभी तक क्या सीन चल रहा है, मतलब बाथरूम दौड़ रहा हूँ, कुछ खा लिया था बाहर तो प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, लेकिन काफी लेट हो गया है और सुबह से चाय और कुछ भी नहीं। दरअसल सो के उठने में लेट हो गया था, रात में कुछ काम कर रहा था तो सो के उठने में लेट हो गया था, तो इस वजह से फिर कुछ बना नहीं पाया, काम करने लग गया था फिर से। और बस अभी काम करके उठाई हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है, बस चल रहा हूँ अब कुछ बाहर चलते हैं लाने के लिए और देखते हैं बाहर। अभी दोपहर का समय, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, साला बहुत दिक्कत है यार दोपहर में। शाम को तो सब कुछ मिल जाता है लेकिन दोपहर में थोड़ा सा टेंशन होती है, आगे दुकान है जो खुली रहती है जहाँ पे मिल सकता है, तो बस चल रहे हैं लाते हैं और फिर बनाते। सब घर से निकल चुके हैं और चल रहे हैं लाते हैं, कुछ देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं अभी से। सो फाइनली चलते चलते अभी हम दुकान पे आ चुके हैं, यहाँ पे सब्जी लगी पड़ी है भाई की और यहाँ से अब देखते हैं प्याज वगैरह उठाते हैं फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हमने टमाटर मिर्ची और प्याज ले लिया है और अब चल दिए हैं घर, चल के कुछ बनाते हैं देख। टमाटर मिर्ची और ये प्याज लेके आ गए हैं, काफी ज्यादा टाइम हो गया यार, भूख बहुत जबरदस्त तरीके की लगी पड़ी है एकदम बिल्कुल। बस फटाफट काटते हैं दाल बिठाते हैं और चावल बनाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी और कुछ हो नहीं सकता हमारे लिए, और बनाने में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और फिर तो हमारे लग जाएंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बस दाल फटाफट बिठा के चावल बना के लपेटो बम बम। जो हमारा दाल था हमने बिठा दिया है, अपनी जो फ्राई करने का आइटम है काट लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है और मस्त जा रहे हैं अब फ्राई करने, दाल फ्राई करेंगे बस चावल बनाएंगे। और अब इतनी हिम्मत नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि कुछ और बना सकें उसके साथ खाने के लिए यार। मैं बताऊं तो अभी कितने बज रहे हैं, अभी 2:15 हो चुके हैं। मैं बताऊं तो जो बहन रहती थी, जो क्या होता था कि अब तक हम दो बार खाना खा लेते थे साला, एक बार सुबह में नाश्ता कर लेते थे तू ही है सजना और अब तक तू ही है दूसरी बार तो खा ही लेते थे, तेरे बिन जीना हो, काम भी करते रहते थे दो दो बार खा भी लेते थे, और जब घर वाले नहीं है तो देखने क्या हालत हो रखी है, सारा साम्राज्य अपने हवाले लेकिन फिर भी ऐसी हालत हो रखी है कि खाने खाने के लिए तरस गए हैं साला, हालत खराब रखी है। 2:00 तो खाना खाने जा रहे हैं, बताओ। सो बॉयज पता है ना रेडी, तो हमारा जो खाना पीना था ना चावल और दाल बन के रेडी, अब बस भाई बस बस चाहिए कि चला जाए अंदर, बस तड़फड़ाहट हो रही है अंदर से पूरी, चूहे नहीं डायनासोर लौट रहे हैं ऐसे ऐसे डुल के। तो बस हमारा चावल दाल रेडी हो गया है और बस हम जा रहे हैं खाने, अब खाते हैं आपको, मस्त बना है यार, खाए नहीं है पता नहीं पीते। देखो हमारा चावल दाल बन के रेडी है, मस्त मसाले वाली दाल एकदम।
भाई कसम से भूख लगी हो और ये टाइम हो गया हो, 3 बज गए हो और अपने हाथ से बना के खाना हो, भाई स्वाद वाद कुछ नहीं दिखता है साला, बस लपेटो, आन दे मस्त, बस आने दे। चलो सो गाइस, मैं बताऊं अभी तो जैसे ही खाना खाया था उसके बाद यार मैं सोच रहा था कहीं जाने के लिए, लेकिन उसके बाद नींद आ गई थी और मैं सो गया था और अभी उठा हूँ 7:15 बजे। और आपको पता है कि आज साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच है, तो फिर सिखाता हूँ, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है हमारे सामने, मस्त देखने के चक्कर में लगे पड़े हैं। देख रहे हो क्या सीन चल रहा है मैच का, जबरदस्त एकदम बिल्कुल शाबाश, लौंडा हैट्रिक पे है। गाइस रात के 9 बज चुके हैं और शाम मतलब रात के खाने की बारी आ गई है और जो भी हमने दोपहर में चावल बनाया था वो समाप्त हो चुका है हमारे द्वारा और बची है तो सिर्फ दाल। तो अब सोच रहे हैं दाल खाएं, तो अब खाली दाल तो पी सकते नहीं है, तो जा रहे हैं बाहर से रोटी लेके आएंगे और दाल चबाएंगे। हमको साला दाल इतना ज्यादा बन गया है ना कि हमको लगता है सुबह के लिए भी बच जाएगी और सुबह यही खाना पड़ेगा, कोई नहीं बिता देंगे, चल रहे हैं कुछ लाते हैं बाहर से। सो भाई लोग अपने हमने अपना दाल गर्म होने के लिए रख दिया है और हमने जो लाया है ये 4 रोटी और 1 समोसा, तोड़ के दाल से खा लेंगे, बंदे ने सलाद भी खवा दिया है, मस्त पता। सो गाइस फाइनली अभी हमारी थाली रेडी हो चुकी है, हमारे थाली में जो है वो है प्याज दाल समोसा। अरे हमने बंदे से 4 रोटी खरीदी थी लेकिन सामने वाले ने हमें 5 रोटी पैक करके दे दी, तो हमें 4 रोटी की जगह 5 रोटी मिल चुकी है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे दिल्ली में आप अगर चाहेंगे तो मतलब एक टाइम का खाना आपका 25 से 30 रुपए में आराम से खाना हो जाएगा, एक टाइम का इजिली आप 25 से 30 रुपए में एक टाइम का खाना खा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में खाना बहुत सस्ता है। एक वीडियो जरूर बनाया जाएगा कुछ दिन बाद इसी पे कि मतलब खाने का रेट क्या है और मतलब कैसे सारी चीजें उसमें बताई जाएगी। सो गाइस इस वीडियो का अंत यही पे करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, भले से आपको वीडियो पसंद आया हो नहीं आया हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, वो जैसे इच्छा करे वैसे दबाओ लेकिन बस दब जाना चाहिए लाल वाला बटन, हमें नहीं पता कैसे दबेगा बस दब जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, गुड नाइट, जय हिंद।